अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं सैयद मोहम्मद हसन शाकिर अली मौलाना अबुल कलाम आजाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज फैजपुर से ताल्लुक रखता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली जमात में हमने कई अशिया से एक शय की कीमत निकालना और एक शय से कई अशिया की कीमत निकालना ये सीखा, जिसे हम वहदानी तरीका कहते हैं। आइए इस मिसाल पर गौर कीजिए। इस मिसाल में बयाजों की तादाद दी हुई है और बयाजों की कीमत दी हुई है। 12 बयाजों की कीमत 240 रुपये, 3 बयाजों की कीमत 60 रुपये और 9 बयाजों की कीमत 180 रुपये है। इस मिसाल में अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि 12 बयाजों की कीमत 240 रुपये है। अगर हम बयाजों की तादाद को कम कर दें, यानी 3 कर दें, तो बयाजों की कीमत 60 रुपये हो जाती है। इसी तरह बयाजों की तादाद में इजाफा कर दें, यानी उसे हम 9 कर दें, तो बयाजों की कीमत 180 रुपये हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर बयाजों की तादाद को हम कम करें तो उसकी कीमत जो है वो भी कम हो जाती है। अगर बयाजों की तादाद में इजाफा करें तो बयाजों की कीमत में भी इजाफा हो जाता है। यहाँ पर इस मिसाल में बयाजों की तादाद और बयाजों की कीमत के दरमियान हासिले तकसीम 1/20 मुस्तकिल है। आइए दूसरी मिसाल पर गौर करते हैं। इस मिसाल में हर कतार में बच्चों की तादाद और कतारों की तादाद दी हुई है। हर कतार में बच्चों की तादाद 40, कतारों की तादाद 6, बच्चों की तादाद 10, कतारों की तादाद 24 और बच्चों की तादाद 8 हो तो कतारों की तादाद 30 होती है। इस मिसाल में गौर करें हम तो हमें पता चलता है कि अगर बच्चों की तादाद को कम कर दे हम तो कतारों की तादाद बढ़ जाती है और अगर बच्चों की तादाद को बढ़ा दे हम तो कतारों की तादाद कम हो जाती है। यानी बच्चों की तादाद अगर 40 है तो कतारों की तादाद 6 होगी। इसी तरह अगर बच्चों की तादाद कम कर दे, यानी 10 कर दे, तो कतारों की तादाद 24 हो जाएगी और अगर बच्चों की तादाद और कम कर दे, यानी 8 कर दे, तो कतारों की तादाद में इजाफा होगा, यानी वो 30 हो जाएगी। इन दोनों मिसालों से हमें पता चलता है कि किसी शय और उसकी कीमत के दरमियान कमी या इजाफा तगय्युर कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जमात हश्तुम का सबक तगय्युर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तगय्युर की दो किस्में होती हैं, मुस्तकीम तगय्युर, जिसे हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं, और माकूस तगय्युर, यानी इनवर्स वेरिएशन।